हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। इन वैल्यू एजुकेशन लेसन नंबर 3, रोड सेफ्टी। रोड पर जब हम चलते हैं तो क्या हमको ध्यान रखना है, कौन सी बातों का, उसके बारे में ये लेसन में आपको टीचर बताएंगे। पहला पिक्चर देखो, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। जब हम घर से निकलते हैं स्कूल आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए बाज़ार में, तो आपको फुटपाथ पर चलना चाहिए। रोड पर चलोगे तो पीछे से गाड़ी आके ठोक दे, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, वो उसको नहीं। तो फुटपाथ इज सेफ फॉर यू, ओके। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जब हम क्रॉसिंग करने जाते हैं तो आपने रोड पे देखा होगा ना, ब्लैक एंड वाइट लाइंस बनी होती है, उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। उस पर से हमको रोड क्रॉस करना चाहिए, इट इज़ सेफ फॉर यू। ओबे द ट्रैफिक पुलिस एंड सिग्नल्स। जो ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है और सिग्नल्स पर जैसे रेड है, ग्रीन है, येलो लाइट जिस हिसाब से आती है, जाना है, रुकना है, उसको आपको ओबे करना है, उसको आपको फॉलो करना है। और ट्रैफिक पुलिस को भी ओबे करना है। अगर उसने बोला मत जाओ तो नहीं जाना है आपको। अगर आप उसकी नहीं सुनोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। गेट इन टू द स्कूल बस वन बाय वन इन अ ऑर्डरली मैनर। स्कूल बस में जब एंटर होते हैं, चलो आप स्कूल बस में नहीं जाते हो, वैन में तो जाते हैं ना, तो कैसे जाते हैं, एक दूसरे को धक्का मार मार के जाते हैं ना, वैसे नहीं करना है। लाइन से जाना है, डिसिप्लिन में रहना है। How do you go to school every day? आप रोज़ स्कूल कैसे जाते हो? जॉन एंड नीता स्टे नियर द स्कूल। ये लोग दोनों जो बच्चे हैं, जॉन और नीता, इस स्कूल के नज़दीक में ही रहते हैं। इनकी स्कूल जो है उनके घर के नज़दीक है। दे वॉक टू द स्कूल एवरी डे। इसके लिए वो लोग वॉकिंग जाते हैं ना, बस से जाते हैं ना, वैन से जाते हैं, वो लोग चल कर अपनी स्कूल तक जाते हैं। दे वॉक क्वाइटली ऑन द फुटपाथ, दे नेवर रन। वो लोग क्या करते हैं, शांति से चल के जाते हैं और भागा भागी नहीं करते फुटपाथ पे। आप ऐसे भागा भागी करोगे, आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो, तो सब लोग क्या बोलेंगे, ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं, देखो ये फुटपाथ पे भाग रहे हैं, एक दूसरे पे कुछ डाल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, इससे आपकी स्कूल की भी बदनामी होती है और आपके पेरेंट्स की को भी बोला जाता है कि इनके पेरेंट्स ने इनको क्या सिखाया। तो जब आप यूनिफॉर्म में हो मेन ज़्यादा कर, तो आप एटलीस्ट डिसिप्लिन में उस वक्त तो रहिए, ताकि आपका स्कूल का नाम लिखे, देखिए ये स्कूल के बच्चे कितने अच्छे से जा रहे हैं। ओके, यू शुड ऑलवेज बी इन डिसिप्लिन। बिफोर क्रॉसिंग द रोड दे लुक टू द राइट एंड दे गो टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन। मतलब क्रॉस करने टाइम मतलब दोनों तरफ देखते हैं, राइट और लेफ्ट, गाड़ी आ रही है क्या, फिर वो लोग क्रॉस करते रोड को। If there are signal, they wait for the red signal to turn green. अगर सिग्नल लग गया है तो रेड को ग्रीन होने तक वो लोग रुकते हैं वहाँ पर। This tell them that it is then safe to cross the road. बालबीर एंड निधि गो टू द स्कूल बाय बस। वो लोग बस से जाते हैं, ये दोनों बच्चे बस से जाते हैं। दे वेट ऑन द फुटपाथ इन अ लाइन फॉर द बस। उनका जो स्टॉप है वहाँ पर फुटपाथ पे लोग खड़े रहते हैं, अपने बस का इंतज़ार करते हैं। When the bus arrives, they get in quietly without pushing. जब बस आती है तो धीरे धीरे एक बार एक जाते हैं, एक दूसरे को धक्का नहीं मारते और पुश नहीं करते, प्रॉपरली लाइन वाइज जाते हैं। They never scream or shout in the bus. बस में भी वो लोग जब बैठते हैं डिसिप्लिन से बैठते हैं, ना ही चिल्लाते हैं, ना ही एक दूसरे को आवाज़ लगाते हैं या कुछ भी बोलते नहीं हैं। जहाँ उनको सीट दी हुई है वो लोग वहाँ पर अच्छे से बैठते हैं। These children follow the rules of road safety. Do you? जैसे ये बच्चे फॉलो करते हैं कि आप लोग फॉलो करते हो, ऐसा ये लेसन में पूछा जा रहा है। यू शुड फॉलो द रूल्स। बाय।